हरे कृष्णा। तो भागवत गीता में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। विशेष मनुष्य जन्म, जो विशेष जन्म है मनुष्य के लिए भागवत गीता है। विशेष जन्म मतलब विशेष मार्गदर्शन चाहिए। हर एक योनि में हम जन्म लिया, लेकिन अलग अलग योनि में जन्म लेने से संभावना है और विचार आता है कि आहारा निद्रा वायामयी तो नाम चा, कि कैसे भोजन करना, सोना, बचाना, रक्षा करना और संतानोत्पत्ति करना, सारे बाकी योनियों का बुद्धि और विचार यहाँ तक आता है। आगे विचार कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, पाप और पुण्य क्या है, ये सब केवल मनुष्य जन्म में संभव है विचार करना। इसलिए मनुष्य के लिए भागवत गीता ये वैदिक शास्त्र है, जो वैदिक शास्त्रों का सार है भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम। तो भागवत गीता में वर्णन है कि कारणम गुण संगस्या सदा सद जन्म योनिषु, कि जो भी हम संग कर रहे, कोई भी गुण मतलब सात्वगुण, राजगुण और तामगुण, कौन सा गुण के साथ हम संग किया, किस गुण के अंदर में हम भोजन किया, किस गुण के अंदर में हम सेवा किया, काम किया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। घर में मेहमान आया था इसीलिए। तो कोई भी गुण के साथ हम ये किया, इस प्रकार के योनि में हम जन्म लेंगे। कुरान करणम गुण संग साध असाध, साध असाध मतलब सात गुण या असात गुण। तो भागवत गीता में भगवान ने विस्तार भी समझाया कि कौन सा गुण के अंदर में क्या क्या है। नहीं, सातों गुण मतलब शांति, ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने का इच्छा भी, और ये सारे अच्छे गुण है एक्चुअली। सात्वगुण, गुण, राजोगुण मतलब व्यक्ति बहुत मेहनत करेंगे, बहुत इच्छा है, इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत परिश्रम करना, और इस परिश्रम का जो फल है भोगना है, राजोगुण। और तामोगुण मतलब आलसी, आलसी, पागलता और इस प्रकार के आगुण, ये सब है। तो इस प्रकार के गुणों के अंदर में जो हम कार्य करते हैं तो आगे जन्म में हम मिलते हैं, वो मिलता है बाद में। तो इसलिए कई बार हम नहीं जानते, हम विचार करते कि हमारे जीवन में क्यों दुख हो रहा है। कई बार कृष्ण ने वर्णन दिया कि ये गुण मिश्रित हो जाते हैं, सात्व गुण भी है, कई बार एक गुण प्रधान हो जाते हैं मुख्य, और मतलब सत्व गुण ज्यादा है तो राज और तम गुण भी थोड़ा थोड़ा, कई बार राजगुण प्रभावित हो जाते पूरा, और राज तमोगुण और सत्वगुण थोड़ा उपस्थित है। ये तमोगुण ज्यादा है और सत्वगुण राजगुण कम, इस प्रकार। तो विशेष काली युग में राजगुण तमोगुण ज्यादा है, तो सत्वगुण के भी है, बात ये प्रभाव आता है। इसे कई बार हम देख सकते कि जो सात्व गुण में है फिर भी पाप, और जो जो भी कर्म है शास्त्र से अलग कोई कर्म लोग करते हैं, क्योंकि समाज ऐसा है जनरल, और बाद में उसका परिणाम आता है इसके साथ भी। भगवान में विश्वास, सेवा, लेकिन फिर भी दुख आ रहे, दुख आ रहे। तो इसका कारण ये हो सकते हैं कि गुना कारण संगस्य, कौन सा गुण के साथ हम संग किया, हम पाप कुछ किया। ये बात ये स्पष्ट होना, समझना चाहिए कि जो तामो गुण है तब पाप तो हो गए, राजगुण में पुण्य और पाप दोनों चलता है, सात्व गुण में पुण्य पुण्य ज्यादा। तो ये एक कारण हो सकते हैं क्यों हम दुखी हैं, क्यों हमारे जीवन में
भाई कोई जन्म लिया जो बीमारी है सर, तो कई बार लोग नहीं समझते जो जो कर्म का सिद्धांत, किस कर्म का सिद्धांत मतलब कि जो हम कर रहे वो ही मिलेगा फल, वो मिलता है तो। और ये पूर्व जन्म में कि अभी देखा नहीं, जैसे मान लीजिए बच्चा है तो उनका बचपन से कुछ बीमारी है, तो लोग सोचे ये तो निर्दोष है, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने कुछ नहीं किया। कर्म ना कार, ये दूसरा है, दूसरा उक्ति है भागवत में कि कर्म ना दैव नेत्रेना जान्तुर देहो पपात। जो हम कर्म करते हैं दैव दैव मतलब देवी देवता ये भगवान वो देखते हैं हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हमको अगला जन्म देते हैं, उसी जन्म में जो हमने किया पहले उसका फल मिलेगा, ये दुख के सुख है। तो बचपन से भी अगर कोई गरीब है, कोई बीमार है, कोई कोई ज़्यादा अमीर है, बुद्धिमान है, ये सब पूर्व जन्म के और हो सकते अनेक जन्मों का फल भी मिल सकता है इस प्रकार। तो ये एक कारण है क्यों ऐसा आता है। तो क्या करना जब दुख आते हैं हमारे जीवन, यूजली हम प्रयास करें दुख को हटाने के लिए, ये प्रार्थना करेंगे पूजा करेंगे कि ये जाएगा जाएगा, पहले समझना चाहिए कि स्वीकार करना है कि ये हमारा गलती हुआ, हमारा गलती पहले ये स्वीकार करना, क्योंकि हम तो है क्या, हम अपराधी है कि पूरा संसार को तोड़ना दिया कि एक जेल जैसा है, हमारा असली स्थान है। इसे सब लोग मुक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, मुक्ति क्यों, क्योंकि ये जेल है, यहाँ हम मुक्त नहीं है, हम तीन गुणों से बंधित है, तीन क्लेशों से दुख आता है। हाँ गर्मी ठंडी ज़्यादा बारिश, ज़्यादा बारिश नहीं है सूखा सूखा ऐसा भी है, बाहर आते हैं बुखाम पाएगा, ये टेंशन आता है, दूसरी दूसरी तरफ से नहीं बीमार आता है, सारे क्लेश आते रहते हैं, तो इसे हम विचार करते इससे मुक्त हो जाएंगे। हाँ तो मुक्त जब हो जाएंगे तो कैसे, तो वास्तविक हमारा अगले असली परिस्थिति है गोलोक धाम, ये वैकुंठ वही असली धाम है जहाँ रहना है, ये है टेम्पररी क्षणिक जगह है जहाँ दुख मिलता है ज़्यादा सुधारने के लिए, इसलिए हम यहाँ पर। और यहाँ अंदर में भी हम गलत करते पाप, फिर भी उसके बाद दुख हम बढ़ाते हैं, और यहाँ रहने का जो समय है हम एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड एक्सटेंड, क्योंकि हम तो ये कब तक चलेगा, जब तक हम दिव्य ज्ञान जो गीता में भगवान ने दिया जब तक वो नहीं समझ पाएंगे, जब तक वो नहीं प्राप्त करें और बाद में पालन भी करें। हाँ इसलिए भगवान भगवद गीता और इस ज्ञान दे रहे हैं जिससे जिसमें ये विशेष मार्गदर्शन है कि कैसे ये सारे मोह माया और पाप और ये सब परित्याग करना और भगवान को प्राप्त करना, भगवान को साक्षात दर्शन साक्षात उनके साथ लीला और सेवा करना, उनकी विशेष सेवा, यही हमारा धर्म है सनातन धर्म, भगवान की निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो इसीलिए मनुष्य जन्म जरूरी है। ये एक अगर जीवन में दुख आता है तो ये एक चेतावनी है और एक भगवान की विशेष कृपा भी है कि वो भगवान साक्षात हमको दिखाए दिखा रहे कि ये संसार जो है दुखों का स्थान है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान कृष्ण भागवत गीता में समझाया कि ये पूरा जो विश्व है इस प्रकार का है, दुखों का स्थान और क्षणिक। अभी मोह माया इस प्रकार की है कि हमको ऐसे मोहित कर देते कि लग रहा है कि सुख तो भी है, दुख भी है, सुख भी है, तो हम आशा करते हैं कि और थोड़ा प्रयास करेंगे सुख के लिए, और हम इस प्रकार प्रयास करते हैं सुख, इंद्रिय सुख जो है उसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे परिश्रम करते हैं, और भक्ति में हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते, हम सोचते हैं ये भक्ति जो है बूढ़े लोग के लिए, ये साधु लोग करेंगे, हम लोग तो नहीं कर सकते, ये गलत विचार है। इस प्रकार हम यहाँ रहने का समय बढ़ाते हैं, एक्सटेंड हम करते हैं।
ये कल हम चर्चा किया ना कि लोग सोचते भक्ति मतलब संन्यास लेना है, ऐसा नहीं है। भक्ति हर एक परिस्थिति में कर सक करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में भी साथ साथ। लेकिन आजकल क्या है, इच्छा इच्छा इतना है, कम वसना और ये सब माहौल ऐसा है कि लग रहा है कि हम यहाँ ये बस समय नहीं है भक्ति करने के लिए, क्योंकि सारे इच्छाओं को पूरी करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा, पैसा पैसा चाहिए। लेकिन ये भागवत गीता का मार्गदर्शन अलग है। अगर हम इतिहास में देखेंगे, इतिहास मतलब महाभारत, ये रामायण, उस समय लोग जो थे संतुष्ट थे, क्योंकि वो इतना काम करते थे जितना जरूरी था। क्या जरूरी है? रोटी कपड़ा मकान, ऐसे बोलते हैं। घर जरूरी थी, उसके लिए कुछ करना है, भोजन करना जरूरी है, अन्नत भवन्ति भूतानि, अन्न जरूरी है तो उसके लिए काम करना है, और क्या कपड़ा, ये सब। तो ज़्यादा ये सारे जो आवश्यकता है, ज़्यादा ये सब भूमि से आते हैं, बारिश, भगवान की कृपा से भूमि, मतलब देवता के माध्यम से, भगवान देवी देवतों के माध्यम से ये आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। अंतिम में भगवान ही कर रहे, लेकिन देवी देवता एक माध्यम से। तो लोग संतुष्ट थे क्योंकि कितना काम करते थे, जितना आवश्यकता है जीने के लिए, और बाकी समय तो पूरा भक्ति में लगाते थे, गृहस्थ भी। लेकिन आजकल ऐसे सिस्टम बन गया, असुरों का सिस्टम, कि नहीं, आपको ज़्यादा पढ़ाई करना, ज़्यादा अच्छा पैसा कमाना, आपको बड़ा घर बनाना, बड़ा घर मतलब पहले लोग ऐसे घर में रहते थे, छोटा झोपड़ी, पूरा पर एक परिवार नहीं, पिता माता है और उनके बच्चे हैं 10, और सब सबका शादी हुआ तो बहुत बड़ा परिवार नहीं, तो छोटी जगह में रहते थे ऐसे। आजकल तो एक परिवार मतलब पिता माता और एक दो बच्चे, पूरा बंगला है, बंगला है। तो ये आवश्यकता है क्या? नहीं, जरूर नहीं। तो वो बड़े बंगला को बनाने के लिए आपको बहुत पैसा कमाना है, और उसको बनाने के लिए एक बात है, मेंटेन करने के लिए पैसा जाएगा। और ये क्यों है? दिखाने के लिए, देखिए हमारा, देखिए हमारा है, कुछ बहुत बड़ा है। इसको बोलते हैं लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। इसका इस प्रकार हमारा इच्छा बढ़ते रहते हैं, और उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, तब परिश्रम के साथ हम पाप भी कर लेते हैं। ज़्यादा पैसा प्राप्त करने के लिए तो कुछ ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, कई बार कुछ कंपटीशन उसमें ईर्ष्या आता है तो इसमें पाप हो जाता है। नहीं चाहते, नहीं चाहेंगे भी, इस समाज में रहने से कलयुग में पाप तो हो जाएगा। काले दोषो निधेय राजान, एको हि अस्ति महान गुणा। कलयुग पाप का समुद्र है, ने कोई भी, जैसे हम पहले बात किया, शास्त्र, शास्त्र एक विधि है जो मनुष्यों के लिए है। अगर मनुष्य शास्त्र का विधि पालन नहीं करते हैं तो पाप करते हैं। ये गीता में भगवान ने कहा कि यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वार्तते काम करता ना ससिदिम अवाप्नोति ना सुकाम ना परम गति। अगर व्यक्ति शास्त्र विधि परित्याग किया, पढ़ते नहीं और उसके हिसाब से कार्य नहीं करते, वार्तते काम करता है मतलब अपना जीवन व्यतीत कर रहे काम वासना के अनुसार, जो भी इच्छा है वही करना, शास्त्र का विधि नहीं देखते, ना ससिदिम कोई सीधी संभाव नहीं है, ना सुकाम सुख संभाव नहीं है, ना परम गति, परम गति भगवान की प्राप्ति, इस प्राप्त भगवान की प्राप्ति है, इस भौतिक जगत से मोक्ष प्राप्त करना, भागवत धाम जाना असंभव। तो इसीलिए आजकल हम देख सकते हैं कि कोई शास्त्र का अध्ययन भी नहीं करते, और पालन की बात छोड़ दो, पालन कौन करे? स्कूल में पढ़ते हैं बच्चे, कितना पढ़ते हैं, बहुत, लेकिन क्या पढ़ते हैं? शास्त्र, गीता, गीता का कोई शिक्षा नहीं मिलता है। तो पाप तो जरूर करेंगे, कोई भी अच्छे व्यक्ति भी हैं, बहुत सद्गुण हो सकते हैं उसके अंदर, लेकिन अगर शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो पाप तो करेंगे, छोटे पाप बड़े पाप सब कुछ आते हैं।
हरे कृष्ण। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, इसलिए हम कलयुग में ज्यादा दुखी हैं, लोग ज्यादा टेंशन आते हैं, ज्यादा टेंशन, साथ साथ भगवान को भी याद करते बीच में, फिर भी पाप भी करते, तब आएगा। इसीलिए एक ही अस्ति महान गुना, कलयुग में एक महान गुण तो है, जितना भी आगुण है कलयुग में एक तो है अच्छा चीज है कि कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे, कृष्ण कीर्तन के माध्यम से हम इस पाप से और मोह माया से मुक्त हो सकते हैं और भगवत भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये समझना चाहिए कि हमें कीर्तन कभी कभी करना और जानबूझ के पाप करना हो, पाप से मुक्ति मतलब पाप तो बार बार नहीं करना, ये प्रयास होना चाहिए। और कीर्तन करने से भगवान हमको मदद कर रहे कि तो इच्छा भी नहीं होगा ये करने के लिए, इससे चेतोदार परमा जनम, हरे कृष्णा कीर्तन करने से हमारा चेतना, जिसका उदाहरण दिया यहाँ पर तुलना की एक दर्प है, आईना, आईना मतलब आपको समझ सकते हैं, आईना बोलते हैं हम देखने के लिए, आईना तो वो बहुत गंदा है, आईना जब गंदा है तो हम क्या देख पाएंगे, साफ करना पड़ेगा तब देख पाएंगे। तो इसीलिए हमारा चेतना, हमारा जो आत्मा जो हम है, अभी काम क्रोध लोभ से ईर्ष्या से पूरा गंदा हो गया, इसे हम नहीं समझ पाते भगवान कौन है, नहीं तो समझ पाए, नहीं तो आनंद और सुख और शांति भी नहीं है अंदर में, ये सब गंदा है। जैसे अगर घर गंदा है आपका पूरा कच्चा, तो अच्छा नहीं लगता है, ये कई बार मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और एक बार साफ किया तो ऐसे बहुत अच्छा लगता है देखने देखने में, तुरंत मन शांत हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हमारा दिल में बहुत ये सारे इच्छा है, काम क्रोध लोभ है, तो कैसे लगेगा, कभी भी शांति नहीं होगा। अगर हम प्रार्थना भी करेंगे इच्छाओं को पूरी करने के लिए और हम सोचेंगे कि इससे शांति होगा, नहीं हो सकता नहीं। तो ये जो हरे कृष्णा हरे राम जो कीर्तन हम करते हैं, वो हमारा चेतना जो आईना आईना जैसा है, उसको मार्जन हो रहे हैं, सफाई, इसे जब हम कीर्तन कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि तुरंत सफाई शुरू हो गया, क्योंकि भगवान के जो पवित्र नाम है वास्तव में पवित्र है, पवित्र मतलब नित्य मुक्त हो, पूर्ण शुद्ध हो, भगवान का नाम कृष्ण का नाम हमेशा तीन गुणों से मुक्त है, हमेशा शुद्ध है, पवित्र है, इसमें कोई भौतिक प्रभाव नहीं है। जैसे भगवान स्वयं यहाँ भी आएंगे, भगवान कभी भी तीन गुणों से प्रभावित नहीं हो सकते, वो हमेशा स्वतंत्र है, उससे परे है। तो इस प्रकार उनका नाम भी इस प्रकार है, और कोई भी व्यक्ति नाम जप करेंगे उनका उद्धार, उनका भी तीन गुणों से मुक्त हो सकता है और पाप से और सारे चीज से क्लियर। इसलिए कलयुग में कीर्तन और हरे कृष्णा जाप करना बहुत जरूरी है, ये भगवान ने खुद विधि दिया कि कलयुग ये जप करने से लोगों का उद्धार हो सकता है। तो इसीलिए जो भी हो रहा है जीवन में, दुख है सुख स्वीकार करना, जो हो रहा है ये हमने कुछ पाप किया, अभी आगे हम क्या करें, आगे जो अभी हम करेंगे आगे आगे के लिए हम पुण्य ये पाप कमा रहे, अभी जितना हो सकते जितना अच्छा हो सकता है कि हम गीता पालन करेंगे, नियम पालन करेंगे जिससे हम दोबारा पाप नहीं करेंगे, जिससे हम भगवान की सेवा करेंगे, तो तब हमारा उद्धार होगा। ये जो भौतिक परिस्थिति है सुख के दुख, इसको इम्प्रूव करने का प्रयास करना कोई कोई मतलब नहीं। मान लीजिए आप सोचते हैं अभी बच्चा ठीक हो जाएगा, बस हमारा ठीक हो सकते, उसके बाद दोबारा हम मोह माया में फंस जाएंगे, अभी बहुत भक्ति करेंगे ठीक करने के लिए, मतलब ठीक हो, अब भक्ति करना कोई जरूरत नहीं है, दोबारा हम पाप करेंगे, दोबारा आगे के लिए दोबारा दुख ही आएंगे, नहीं ये हो सकता है। इसे जो है ठीक है, जो जो तबीयत है
वो हमेशा ठीक करने का प्रयास होना चाहिए, ऐसा नहीं है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो भक्ति भी नहीं कर पाए। और जो जो आवश्यकता है बेसिक, ये इसके लिए काम करना है कुछ, लेकिन समय देना कि ये भक्ति जो है इसको बोलते हैं हेतु की प्रतिज्ञा, बिना हेतु तो निस्वार्थ भाव से करना। और हर एक परिस्थिति में जब हमारा परिस्थिति पूरा ठीक हो जाते हैं भौतिक दृष्टिकोण से, पैसा भी है, सबका तबीयत ठीक है, तब और भी भक्ति करना। और क्योंकि हमारा धर्म तो यही है, धर्म मतलब कर्तव्य ड्यूटी है, भगवान की सेवा करना। अभी सुख होगा दुख होगा इसमें कोई अंतर नहीं है। नहीं मान लीजिए कि अगर आपका ड्यूटी है कुछ काम कर रहे हैं तो आपको सुबह 7 बजे तक पहुंचना है। अभी आपको अच्छा लग रहा है अच्छा नहीं लग रहा है, वो आपके जो जो बॉस हैं जो मालिक हैं वो नहीं पूछेंगे, आपको आना है। आपको आप नहीं आएंगे तो दूसरा व्यक्ति आएगा। तो भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, सेवा भगवान की सेवा तो चलता रहेगा, हम करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन हमारा कर्तव्य है, हमारे लिए जरूरी है कि हम करेंगे नित्य सेवा। इसलिए भगवान की नित्य युक्त उपास होते हैं, नित्य युक्त होना चाहिए उन्हीं की सेवा में। साधना पूजा करना है नित्य, मतलब अगर गृहस्थ है गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ समय निकाल के करना है, और बाकी जो काम है कर्म जो करना है वो भी करना, और वो भी इसी उद्देश्य से करना कि हम बाद में भगवान की सेवा करेंगे। इससे इसे कृष्ण ने कहा यत करोष यद आशनसी यद जुहोष यद दास यद यद तपस्य सिखाउते तत्कुरुष्व मद अर्पण। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप खाते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, जो भी तपस्या और दान देते हैं, सब कुछ मेरे लिए मद अर्पणम, सब कृष्ण को अर्पण कर। तो ये हमारा धर्म है, सनातन धर्म हमारा। हम लोग विदेश में जन्म लिया, हमारा भी आप सोचेंगे ये तो हमारा धर्म नहीं है, हम क्रिश्चियन है। हाँ नहीं, ये सारे जीवों का सन धर्म है, ये भी माया है, माया का प्रभाव कि हम दूसरे धर्म है, अलग अलग प्रकार के धर्म है। ये सब बाद में अलग अलग परिस्थिति में बन गया, परंतु वास्तव में सारे जीव कृष्ण ने कहा मामय वंश जीवालोके जीव भूत सनातन। कृष्ण ने कहा कि जितना भी जीव है, कितना जीव है आप गिनती कर सकते हैं? हाँ कितना है आपके आपके बगीचे में, कितना है? हर एक घास के अंदर में आत्मा है, चीटी मच्छर क्या कतमल मल खत क्या बोलते हैं वो रात को जो काटेगा मच्छर नहीं कतमल, हाँ वो भी है, वो भी भगवान कृष्ण ने कहा मामा एवं जीवालो के जितना भी है सब मेरे अंश है, सार्व योनि सुखाते हैं सारे योनियों के लिए, अहम बीजा प्रणा पिता मैं पिता हूँ सबके लिए। इस प्रकार सारे जीवों का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। ये सेवा इस सेवा से हम अलग हो जाते अगर तब मन सृष्टि इंद्रियनी प्रकृति स्थान कर सकते, तब हम आते इस प्रकृति स्थान और हम परेशान हो जाते हैं माया के अंदर, अगर हम सनातन धर्म पालन नहीं करते तो। ये सब ये सारे दुखों का कारण है कि हम भगवान से विमुख बाहिर मुख अलग हो जाते हैं, अलग मतलब हम उनकी सेवा नहीं करना चाहते। तो भगवान इतना है कि वो क्या बोलते, इतना दयालु है कि वो हमका अपना हमारा इच्छा जो है वो उसमें वो इंटरफेयर नहीं कर रहे। आपका इच्छा है करना सेवा करना तो सेवा कीजिए कृष्ण की, नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन तब यहाँ आना पड़ेगा। आपने इच्छाओं को पूरी करने के लिए केवल भौतिक जगत में प्रकृति स्थान ही में हो सकता है, लेकिन उसका परिणाम हमेशा दुख होगा। कृष्ण ने कहा ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवं थे अद्यंत मंत कौंते या न थे सूर्य रमते बुधा। जो भी व्यक्ति इंद्र सुख के लिए प्रयास कर रहे हैं उसका परिणाम हमेशा दुख होगा। तो इनसे इंद्रियों संतुष्ट करना जितना जरूरी है विधि के अनुसार, खाना जरूरी है ठीक है, तो विधि क्या है? शुद्ध शाकाहारी भोजन तैयार करना, भोग और भगवान को भोग लगा के प्रसाद ग्रहण करना, कोई पाप नहीं है। मुच्यन्ते सर्व किन विषय, भगवान ने कहा व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाते अगर इस प्रकार भोग लगा के
प्रसाद ग्रहण करेंगे। परंतु अगर भुंजन्ते ते त्वघा पापम ये अपचान्ति आत्मा कारण, आपने लिए जब बनाते भोग नहीं लगाते तो केवल पाप ही खाते, पाप खाएंगे तो परिणाम होगा दुख। तो ये विधि है जो भगवान ने दिया हमारे लिए, अगर हम पालन करेंगे हमारा उद्धार और कल्याण होगा, नहीं करेंगे सिंपल। तो ये हमें जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए। जैसे जो ब्राह्मण है ये समाज में श्रेष्ठ लोग हैं, उनको और भी अच्छे से करना है कि दूसरे लोग देखेंगे, दूसरे लोग भी सीखेंगे। और कई बार ऐसा भी है कोई ब्राह्मण पालन कर रहे लेकिन दूसरी जाति सोचते हम तो ब्राह्मण नहीं है, हमारे लिए नहीं है। नहीं, सबके लिए, सबके लिए। ब्राह्मण का ये है कि उनका विशेष कर्तव्य शिक्षा देना, शिक्षक। ब्राह्मण मतलब शास्त्रों को जानते, याजन याजन पातन पाठन पाठ कर ले शास्त्रों का और सिखाते लोगों को, सबको। दूसरे लोग पढ़ने का समय नहीं है क्योंकि दूसरा उनका अलग प्रकार का कर्म है, लेकिन ब्राह्मणों को सिखाएंगे ऐसे करना, तब भगवान की कृपा सबके लिए होगी। तो आज क्या नाम है उनका बच्चा पुत्र? भारत। भारत का जन्मदिन है। ये भी समझना कि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवम् जन्म मृतस्य च। जो भी व्यक्ति जन्म लिया निश्चित है कि एक दिन मर जाएंगे, और व्यक्ति जो मर गया निश्चित है कि दोबारा जन्म लेंगे। ये उस परिस्थिति में है कि जो भक्ति, अगर भक्ति नहीं करेंगे तो जन्म लेंगे, अगर बीच में इस जन्म और मृत्यु के बीच में भगवान की भक्ति करेंगे निस्वार्थ भाव तो दोबारा जन्म नहीं लेंगे, ये अलग। तो इसीलिए ये याद रखना आज की बच्चों को उद्धार करने के लिए ये पिता और माता का कर्तव्य क्या है? गुरु न सस्यात् स्वजना न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। शामदेव ने कहा कि कोई व्यक्ति पिता माता गुरु ये रिश्तेदार ये देव पति नहीं बन सकते, उनका अधिकार नहीं है ये बनने के लिए। अगर समोचय सामोपेत या मृत्युम, अगर अपने शिष्यों को ये पुत्रों को उदार नहीं दे सकते तब अधिकार नहीं है पिता माता बनने के लिए। उदार मतलब कम से कम ऐसे शिक्षा देना है बच्चों को कि वो भक्ति करेंगे और पाप में नहीं लगेंगे, इस प्रकार के दोबारा जन्म नहीं होगा। मार्गदर्शन तो मार्गदर्शन दे पाएंगे अगर खुद भी पालन करेंगे, अगर कुछ और करते हैं और सिखाते और कुछ बच्चा देखते हैं, आचरण आचरण भी करना है और समझाना भी वही, तब उद्धार हो सकते। इसलिए वास्तव में सबका उद्धार हो सकते हैं। अगर परिवार में अगर एक व्यक्ति भी अच्छे से भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति, तो एक इस पीढ़ियों का मुक्ति हो सकता है। ये प्रहलाद महाराज ने कहा है, जब नृसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को मार दिया पूरा खत्म, तब प्रार्थना हुआ, प्रहलाद ने गुणगान किया भगवान की, तो भगवान ने कहा आशीर्वाद आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए एक्चुअली। बाद में बात हुआ कि आप अगर आशीर्वाद देना चाहते हैं, मेरा जो पिताजी असुर, इतना बड़े असुर, उनको मुक्ति मोक्ष दीजिए। तो भगवान ने कहा ये पूछना जरूरत नहीं है, बिना पूछने से पहले और नहीं, केवल आपके पिता नहीं एक इस पीढ़ियों का मुक्ति हुआ। क्यों? क्योंकि आप ही भक्ति कर एक व्यक्ति। ऑफकोर्स प्रहलाद महाराज बहुत उच्च स्तर के भक्त हैं, भगवान के शुद्ध वैष्णव हैं, परमहंस, हम उस स्तर पे नहीं हैं। फिर भी कोई भी व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं भगवान की निस्वार्थ भाव सेवा करना, तो सबके लिए लाभ है, पूरा परिवार के लिए, सब के लिए, पूरा समाज के लिए। तो आप और भी आगे सोचिए, अगर पूरा परिवार करेंगे कितना और अच्छा हो सकता है। अगर एक ही व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है सोचिए सब लोग, तो क्या करना? कलयुग में हम प्रहलाद महाराज जैसे
ये उनका विशेष लीला था भगवान की उनके साथ। लेकिन कई बार नहीं, जैसे लोग बोलते हैं मुझे इतना दुख, इतना परेशान आते हैं। अगर हम प्रहलाद महाराज का कथा याद करेंगे उस समय, तो हमारा दुख और प्रहलाद महाराज का जो दुख था, कौन सा ज़्यादा है? प्रहलाद महाराज कितना उनको काटने के लिए, सब कुछ करने के लिए वो प्रयास किए उनको मारने के लिए। तो हमारे साथ तो ऐसे नहीं है, कोई नहीं आता हर दिन काटो जलाओ उनको बीज पिलाओ, इतना इतना दुख तो नहीं है। दुख तो है लेकिन प्रहलाद महाराज की तुलना में हमारा बहुत कम है। तो ये याद करके साथ साथ भगवान की सेवा करना। तो और बात ये है, प्रहलाद महाराज की लीला से हम सीख सकते हैं कि जितना भी दुख आ गया, प्रहलाद महाराज तो कभी भगवान की सेवा नहीं छोड़ा, कभी नहीं छोड़ दिया। हमेशा भगवान को याद किया और हमेशा सोचा जो भी दुख आया भगवान की कृपा, अगर भगवान की इच्छा है कि मैं मर जाऊंगा ठीक, और उन्होंने भगवान को याद किया, भगवान ने हर एक परिस्थिति में रक्षा किया। तो ये शिक्षा है कि भक्तों के जीवन में दुख दुख का आने का संभावना है, बड़ी संभावना, लेकिन ये परीक्षा है भगवान की, ये भगवान की कृपा। एक जो बात हुआ, ये दुखों का स्थान है, तो अगर हम मोह माया में हैं, अगर भगवान ये दुख नहीं प्रदर्शित नहीं करें कि हम सोचेंगे सब ठीक है, तो हम मोह माया में रहेंगे बहुत जन्म तक। भगवान अगर दुख दे रहे हम समझ पा रहे, हाँ इसमें कोई आसक्ति नहीं रखना है, क्षणिक है, तो तू पूरा ध्यान भगवान की तरफ जाएगा, तब जल्दी इस मोह माया से बाहर आएंगे और वास्तविक आनंद और शांति प्राप्त करेंगे। ये है कृपा है। और दुख आता है तो हम और भी दिल से प्रार्थना कर रहे हैं सब ठीक है ठीक है, वो समय हम नाम भी लेंगे ऐसे थोड़ा मुंह से लेंगे, लेकिन दुख आता है तो कोई उपाय नहीं है, सामने कुछ भी चल रहा है सब गड़बड़ चल रहा है, बस भगवान आप ही है। तो ये भगवान चाहते हैं, इसको बोलते हैं संपूर्ण समर्पण, जो गीता का अंतिम उपदेश है कि सर्वधर्मं परित्यजा मामेकं शरणं व्रजा अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ परित्याग करना और सब कुछ, मतलब सब अलग अलग प्रकार के विचार और धर्म और पूजा, ये जरूर नहीं है सर्वधर्म परित्यजा, नहीं मतलब कि संन्यास लेना है, मतलब कपड़ा चेंज करना और घर छोड़ना, आसक्तियों को छोड़ना और भगवान के बारे में ये अलग अलग देवी देवा पूजा ये सब परित्याग, केवल कृष्ण माम एकम। क्लियरली भगवान बताते हैं माम मुझे खुद बताते हैं और एकम ओनली। तो ये कृष्ण बताना चाहते हैं गीता में वो हम, और जब दुख आते हैं कृष्ण हेल्प कर रहे कि हम पूरी तरफ से उनको उनके चरणों पर समर्पित हो जाएंगे। ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब क्रम से जाना है, सब कुछ तुरंत नहीं कर सकते। कई बार इतना दुख आता है सब सोचे तुरंत ही सब कुछ छोड़ेंगे, नहीं, भगवान कुछ सिखाना चाहते, कुछ प्लान है उनका, तो क्रम से जाना है। अगर घर पे रहेंगे कुछ काम करेंगे जिससे पालन होगा, साथ साथ हरे कृष्णा जप करेंगे, परिवार तब ये बच्चे जो अभी तक नहीं कर सकते तो वो सुनते रहेंगे, उनका उद्धार होगा। कई बार ऐसे बच्चे बीमार है कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ नहीं, तो उनका लग रहा है कि बहुत दिक्कत है, लेकिन सोचिए अगर ऐसे बच्चा आजकल बच्चे हैं जो चल सकते बोल सकते हैं और बाद में क्या करते हैं, थोड़ा बड़े हो जाते स्कूल जाते तो बहुत पाप करते, तो अगले जन्म में उनका क्या हाल होगा। लेकिन ये बच्चा जो अभी नहीं कर सकते तो ये पाप नहीं करेगा, और ना भगवान का नाम सुनते रहेंगे तो उनका उद्धार का बहुत बड़ी संभावना है। बाकी सब ठीक है लेकिन वो कीर्तन भक्ति कोई नहीं कर रहे, केवल पराए पराए पैसा कमाना, पाप करना, ये करना वो करना, तो वो लोग तो नरक जाएंगे ही, बाद में कितना दुख होगा। लेकिन जो अभी नहीं कर सकते पाप क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो मतलब पूर्व जन्म का जो पाप है वो अभी साफ हो रहा है, और नाम सुनते रहते हैं कृष्ण प्रसाद, उनका उद्धार हो जाए जल्दी, ये भी एक कृपा है। ये सब ऐसे देखना है, बृहद दृष्टिकोण से शास्त्रों के
के माध्यम से, तब इतना दुख नहीं लगेगा भी। तो किसी का कुछ प्रश्न है आप भी पूछिए। प्रश्न एक साल में आया ना आप, एक साल हुआ ना शायद, हाँ लगभग लगभग हुआ ना, अभी कहाँ से आया आप? आप कोई प्रश्न पूछिए जिसके बारे में हम बात किया कथा में, बाद में ये सब बाद में बात करें। सही है, कुछ नहीं। आप माला करते हैं? अभी एक साल शरीर के अंदर में, एक साल, लेकिन आत्मा जो है वो नित्य है। ये कपड़े आप कब से पहनते? सुबह से ने? लेकिन आप तो कब से हैं? तो ये पॉइंट है, ये कपड़ा है, शरीर छोटा है, अभी बढ़ बढ़ जाएगा, लेकिन जो आत्मा है पहले बहुत अनादिकाल से अविनाशी है, कर्म के अनुसार कुछ वो भी भक्ति करेंगे, लेकिन आपको करना है, आप उनका उद्धार होगा सबका, कृष्ण भक्ति।